दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिम्मेदार सवाल जो आपके जीवन में कभी भी काम आ सकता है। तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शरीर कमजोर और खून की कमी क्यों होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा मेहनत करने से होता है शरीर कमज़ोर और खून की कमी। घर में कोई भी आदमी है ज़्यादा मेहनत करता है और खान पान पर ध्यान नहीं देता है तो खून की कमी हो जाती है शरीर में, इसीलिए काम ज़्यादा ना करें। सवाल नंबर 2, हिचकी रोग कैसे दूर करें? दोस्तों हिचकी रोग कैसे दूर करना चाहिए? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है नींबू का रस शहद में मिलाकर दें पीने के लिए तो आपको जो है हिचकी रोग तुरंत ठीक हो जाएगा 1 से 2 घंटा में। हिचकी रोग होता है दोस्तों कभी कभी जो है खाना के गड़बड़ से होता है, तो उससे कोई बात नहीं। सवाल नंबर 3, चमर रोग जल्दी कैसे ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है नींबू का रस लगाने से ठीक होता है। दोस्तों चमर रोग की बीमारी अगर हो गई है तो नींबू का रस अगर आप लोग लगाते हैं या उसके छिलके को पीस करके भी लगाते हैं तो आपको चमर रोग की बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों सवाल नंबर 4, ब्लड प्रेशर कैसे दूर किया जाता है? दोस्तों ब्लड प्रेशर के रोगियों को क्या खाना चाहिए कि वो तुरंत ठीक हो जाए? दोस्तों इसका सही आंसर है खाना में नींबू खाने से दूर होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से दूर रहना चाहते हैं तो आपको खाना में नींबू निचोड़ करके ज़रूर खाना चाहिए कि ये तुरंत बीमारी मिट जाए। सवाल नंबर 5, गुर्दा में दर्द क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुर्दा में दर्द और पथरी क्यों होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है जब पथरी बन जाता है गुर्दा में तो दर्द करने लगता है। और गुर्दा में पथरी क्यों बनता है? जब हम लोग कोई भी सामान खाते हैं टमाटर या अमरूद खाली पेट तभी बनता है। थैंक यू दोस्तों।